आज दोस्तों बनाएंगे हम पूर्वांचल यानी कि बिहार का प्रसिद्ध बाटी चोखा, क्योंकि बिहार इसके बगैर तो अधूरा है। तो बाटी चोखा वहाँ की सबसे फेमस है, हालांकि अब तो ये सब जगह मिल जाती है, लेकिन भाई वो तो बाटी चोखा बनाते हैं कंडे पर, यानी कंडे की आग पर या जो गाय के उपले होते हैं उसकी आग पर, लेकिन हम इसे बनाएंगे गैस पर बिल्कुल इजी तरीके से। पर बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहार साइड में बनती है, बिल्कुल उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो इतनी सॉफ्ट नहीं बनी होगी, तो मैं इसे आपको दिखा भी देता हूँ तोड़कर, ये देखिएगा है ना एकदम से सॉफ्ट अंदर तक भुरभुरी। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम चोखा बनाएंगे। चोखे के लिए लेंगे यहाँ पर हम 2 गांठ लहसुन की, उसी के साथ यहाँ पर 5 हरी मिर्च, 7 मीडियम साइज के आलू, इसी के साथ 4 लाल टमाटर और 2 ताजे बैंगन। यहाँ पर बैंगन को लेते समय एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि बैंगन के अंदर कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेफिनेटली इसके अंदर कीड़ा है। तो आप बिल्कुल फ्रेश बैंगन लें। अब बैंगन को हम इस तरीके से चाकू की सहायता से चीरा लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि बैंगन में चीरा लगाने से बैंगन एकदम से फटता नहीं है। और अब इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, जिससे जो इसकी परत ऊपरी आसानी से छूट जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरे वाले बैंगन में भी चीरा लगा देते हैं। यहाँ पर अगर आप लहसुन इस तरीके से न डालना चाहें तो आप लहसुन को डायरेक्ट छील कर इसके चीरे के अंदर भर दें, लहसुन इसी के साथ बन जाएगा। और अब लेंगे हम टमाटर। टमाटर पर भी इस तरीके से हम ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो टमाटर पर भी चीरा लगा सकते हैं ताकि ये भी जो है फटे नहीं। और अब मिर्च, इसमें भी हम थोड़ा सा चीरा लगा देंगे ताकि भूनते समय ये भी ना फटें। और अब ले लेंगे हम ओवन वाली ट्रे और इस पर रख देंगे बैंगन, इसी के साथ टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और आलू। और अब इन सभी को हम ओवन में रख देंगे। तो चलते हम ओवन की तरफ और इन्हें भुनने के लिए छोड़ देंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। जब तक ये भुन रहे हैं तब तक हम बाटी के लिए उसका भरावन तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सत्तू लिया है लगभग 220 ग्राम जितना है। और अब डालेंगे इसमें हम 3 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट कर डालेंगे इस तरीके से। तो आप भी इन्हें बिल्कुल बारीक ही काटें ताकि भरते समय दिक्कत ना आए। हरी मिर्च कट चुकी है तो अब डालेंगे इसमें हम प्याज। प्याज भी बिल्कुल बारीक काटेंगे ताकि इसको जो भरते समय है वो दिक्कत ना आए। अब प्याज भी बारीक काट के डाल दिया है। तो अब ले लेते हैं हम 2 इंच अदरक का टुकड़ा और इसको क्या करेंगे कद्दूकस, क्योंकि मुझे हर चीज़ इसमें थोड़ी सी बारीक बारीक चाहिए। इसी तरीके से 16-17 लहसुन की कलियाँ और इन्हें भी इस कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। इसी के साथ इसको थोड़ा सा टेंगी स्वाद करने के लिए डालेंगे नींबू का रस। और अब डालेंगे इसके अंदर हम 1/2 टेबल स्पून जितनी अजवाइन। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम हरा धनिया चॉप किया हुआ, इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार। और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये सूखा सूखा लग रहा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक जो है सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, क्योंकि आटे की तरीके से चिपकता नहीं है तो इसे एकदम से गूंथा नहीं जाएगा। बस हल्का हल्का पानी डालकर इसको जो है एक सा कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम दाब दाब कर इसको एक सा कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच जितना सरसों का तेल। तो यहाँ पर सरसों का तेल बिल्कुल कच्चा रखेंगे, यानी कि इसको गर्म करके नहीं डालेंगे। पहली डिश है जिसमें कच्चा डाला जाता है। बाटी की भरावन तो तैयार है। तो हम चलते हैं ओवन की तरफ और देखते हैं क्या हाल है हमारे आलू और बैंगन का। लीजिए अब ये भी हमारे बन चुके हैं। चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। एकदम गरम गरम है तो कपड़े की सहायता से निकालिएगा। अभी ये काफी गर्म है तो इनको हम छील लेंगे गरम गरम ही। तो सबसे पहले हम आलू छीलेंगे। देखिएगा कितनी आसानी से छिल रहा है, क्योंकि ये गर्म है। जब ठंडा हो जाएगा तो इसके साथ जो छिलका है वो इसके साथ ही चिपक जाएगा। फिलहाल आलू हमारा छिल चुका है। तो अब हम टमाटर भी छील लेते हैं। ये भी हल्के से गर्म है तो थोड़ी सी सावधानी से छीलें। लीजिए टमाटर भी हमारे छिल चुके हैं। और अब लहसुन को छील कर निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप कस के दाब देंगे तब भी लहसुन बाहर आ जाएगा और छिलके आपके हाथ में रह जाएंगे। लीजिए अब हमने सारा का सारा लहसुन छील लिया है। और अब इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च। भुनी हुई है तो इसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं काट कर। और अब डालेंगे इसके अंदर हम प्याज। बहुत ज्यादा बारीक ना हो तो बहुत बड़ा बड़ा भी ना हो, मीडियम साइज का हो। और इस तरीके से हम बैंगन ले लेते हैं। और अब इसके अंदर देखते हैं कीड़ा है या नहीं है। देखिएगा बहुत ही आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कीड़ा बहुत छोटा नहीं होता है, काफी बड़ा होता है, भारी भरकम होता है। तो वो आपको देखते ही नजर आ जाएगा। हालांकि कीड़े का कलर और इसका कलर एक सा होता है। देखिएगा अभी तक मुझे कोई कीड़ा नहीं नजर आया। अगर कीड़ा है तो आप इसको फेंक दीजिएगा। अब इसको हम छील लेते हैं। देखिएगा कितनी आसानी से छिल रहा है। बैगन छिल चुका है तो इसके ऊपर का जो डंडा है यानी कि डंठल है उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से इसे हम काट लेंगे और इसके जो नीचे का भाग है उसको सबको डालेंगे। सिर्फ ये डंडा जो है इसको आप फेंक दीजिएगा। अब इसे भी इसी के अंदर डाल देंगे। अब ये गया दूसरा वाला बैगन भी। अब मैंने इसके अंदर दोनों बैगन डाल दिए। तो अब इस तरीके से हाथों से इसे फोड़ देंगे। और अगर आपको चाकू की जरूरत पड़े तो आप चाकू का उपयोग भी कर सकते हैं। तो मैं चाकू का उपयोग भी कर लेता हूँ, क्योंकि टमाटर वगैरह हाथों से फूटने में बड़ी दिक्कत होगी। बस इस तरीके से इन्हें हम छोटा छोटा कर लेंगे। और अब डालेंगे इसके ऊपर हम चॉप की हुई हरी धनिया, इसी के साथ 2 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम नींबू। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का नींबू लिया है जिसे अच्छी तरीके से निचोड़ के डाल दिया है। और अब डाल देंगे इसमें हम कद्दूकस करके लगभग 2 इंच अदरक का टुकड़ा।
और अब डालेंगे इसमें हम नमक। वैसे तो जो दुकान या मार्केट में बेचते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश नहीं करते हैं, हल्का सा बड़ा बड़ा रखते हैं ताकि इसका स्वाद काफी अच्छा आ सके। लीजिए अब चोखा हमारा बनके रेडी है, तो अब एक बड़ा सा तसला ले लेते हैं और इसमें डाल देंगे हम गेहूं का आटा और अब इसके अंदर डाल देते हैं हम अजवाइन लगभग आधा टेबल स्पून जितनी, इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार और इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अब डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून जितना घी और अब इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको काफी सॉफ्ट गूंथना है, अगर आप इसको ज्यादा हार्ड गूंथेंगे तो जब आप इसकी बाटी बनाएंगे तो वो भी काफी हार्ड हो जाएंगी और अंदर तक उतनी सॉफ्ट नहीं बनेंगी। तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथिएगा, जैसे आप रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सॉफ्ट जरूर गूंथें। अब डो हमारा गूंथकर तैयार है तो इसे हम ढककर रख देंगे लगभग 15 मिनट के लिए। ऐसे ही 15 मिनट हो चुका है तो अब बनाते हैं हम इसकी बाटी। तो गुथे हुए आटे से हम थोड़ा सा आटा निकाल लेते हैं और इसकी इक्वल साइज की छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लोइयां नहीं बनानी है तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी भी नहीं, बस इस साइज की पेड़ी टाइप की जो है हमें लोइयां काट लेनी है। अब छोटी छोटी आटे की पेड़ी काट ली है तो अब हम बनाएंगे बाटी। तो एक पेड़ी ले लेते हैं और इसको इस तरीके से हम हाथों की सहायता से फैला लेते हैं और अब इसके अंदर भरेंगे हम भरावन यानी कि जो मैंने सत्तू का मिश्रण बनाया था उसको और इस तरीके से इसे हम दाब देंगे और जिस तरीके से हम रसगुल्ला को गोल करते हैं वैसे ही कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग 9 बाटी बनाई है और अब गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं और इस पर रख देते हैं हम इस तरीके का नॉन स्टिक का पैन और अब इसके चारों तरफ लगा लेंगे हम हल्का सा घी, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है बिल्कुल हल्का सा लगाना है और अब इसके ऊपर रख देंगे हम बाटी। थोड़ा सा अंतराल रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा अंतराल रखिएगा। अब हमारी सारी बाटी इसमें एडजस्ट हो चुकी है और अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर सिकने देंगे लेकिन मैं यहाँ से ढक जरूर दूंगा ताकि जो हमारी बाटी है वो अंदर से भी अच्छी तरीके से सिक जाए। तो इसे ढककर आप थोड़ी देर सेकें ताकि जो ये पैन है वो अवन जैसा काम करे। अब इसे हम पलट लेंगे और फिर से इसे ढक देंगे, अब फिर से इसे हम खोलेंगे और फिर से पलट लेंगे। तो हाँ, इन्हें सेकने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय जरूर लगेगा लेकिन 15 से 20 मिनट में आप लगभग 2 से 3 लोगों की बाटी बड़ी आसानी से सेंक सकते हैं। अब देखिएगा जो हमारी बाटी है वो लगभग चारों तरफ से सिकने वाली है, फिर भी मैंने और थोड़ा सा सेंकूंगा ताकि ये बिल्कुल भी कच्ची ना लगे। अब ये देखिएगा कितनी प्यारे कलर में आई हैं और कितनी अच्छी तरीके से सिक भी रही हैं। लीजिए अब हमारी बाटी तो बन चुकी है और देखिएगा इवनली अच्छी तरीके से सिक भी चुकी है। तो ले लेते हैं एक हम प्लेट और इस पर रख देते हैं एक बड़ी सी ट्रे और इसमें रख देते हैं हम चोखा और अब रखेंगे हम सलाद। सलाद में सिर्फ प्याज है और प्याज से ये काफी स्वादिष्ट लगती है, इसी के साथ नींबू और अब इसको बिल्कुल पूर्वांचल जैसा स्वाद देने के लिए डालेंगे इस पर हम हरी चटनी और अब रख देते हैं इस पर हम बाटी। बाटी में लगाएंगे हम ढेर सारा घी जिसकी वजह से जो बाटी चोखा का स्वाद है वो और भी गजब होने वाला है। बाटी में घी लगाने के लिए नहीं है तो भाई बाटी चोखा रुक कर बना लीजिएगा, जब घी आ जाए तभी बनाइएगा। अब ये देखिएगा चमक मार रही है एकदम बाटी हमारी घी लगाते ही। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है और लाइक के साथ साथ हो सके तो इसे शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ ताकि वो भी घर पर बड़ी आसानी से इस तरीके से बाटी चोखा बना सके। और इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।